दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पेटीएम के आरबीआई बैन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जी हां, आरबीआई ने जो पेटीएम के ऊपर बैन लगाया है, इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते रहते हैं और हाल ही में भी बहुत सारे कमेंट आए हैं, जिसके बाद मैंने अपने पेटीएम के एजेंट ऐप के माध्यम से पेटीएम कॉरेस्पॉन्डेंट से बात की कि पेटीएम का जो पेटीएम के अंदर जो बैन लगा हुआ है, केवाईसी बैन, कब तक हटने जा रहा है। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि पेटीएम एजेंट कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होते हैं, तो आप जो स्क्रीन पे ऐप देख रहे हैं ये एजेंट ऐप होता है। जी हाँ, एजेंट ऐप वो होते हैं जो किसी भी तरीके की पेटीएम की केवाईसी करते हैं, वॉलेट केवाईसी या किसी भी तरीके का सेविंग अकाउंट खोलता है आपके सिटीज़ में, आपके एरिया में। तो यहाँ पर हमारे पास पेटीएम की जो बड़ी टीम होती है कॉरेस्पॉन्डेंट, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है और वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं वो ऊपर पेटीएम की बड़ी टीम से कनेक्ट होते हैं। तो जिसके बाद मैंने उनसे आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी ली है जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि पेटीएम कॉरेस्पॉन्डेंट से मेरी हाल ही में क्या बात हुई है। तो पेटीएम जो आरबीआई के ऊपर जो बैन आरबीआई ने जो पेटीएम के ऊपर बैन लगाया है, इसके बारे में मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। जी हाँ, अगर आपको पेटीएम केवाईसी अनबैन होने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ पेटीएम का आरबीआई बैन जो है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंट के अकॉर्डिंग, वो अगले महीने की 30 तारीख तक हट सकता है। जी हाँ, जो 30 तारीख है मई की, उस तक हटाया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं निकल कर आया है। ये मोटी मोटी खबर है, अगर ऑफिशियल अपडेट आएगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डेंट ने जो मुझे जानकारी दी है वो मैंने आपके साथ शेयर की, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। और जैसे ही पेटीएम का ऑफिशियल अपडेट आएगा मेरे एजेंट ऐप पे या किसी भी तरीके का मेरे पास कोई भी न्यूज़ आएगी, मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूँगा। बस जिसके लिए मेरा आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, प्लस यहाँ पर जो घंटे का बटन आता है उसे भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगा, मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा, अगर आपको उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो उसी बेल आइकन की वजह से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो मेक श्योर उस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बस आज की वीडियो मुझे आपको यही बताना था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।